चलो जल्दी करो, इससे पहले कि उस मनहूस की छाया फिर से पड़े। जीजू ये देखो मनहूस हाजिर, मुझे लगा था तुझे लोन देकर कुछ पैसे कमा लूंगा, देखो क्या हासिल हुआ। जीजू मेरी बात तो सुनो, मुझसे रिश्तेदारी तोड़ दो, चलो अंदर बैठो। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इनसे रिश्ता हुआ था। एक मिनट रुके तो सही, अब देखा तुमने किस तरह बात कर रहे थे मुझसे। चलो बेटी, ये सब क्या है मीनाक्षी? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी परेशानी बांट सकती हूँ, लेकिन मैं ये पाप नहीं कर सकती। ये क्या कर रही हो? ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो केस वापस ले लो। डैडी बात को समझो मीनाक्षी, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तुमने सबका हश्र देखा ना, इसे कुछ हो जाता तो। अरे मीनाक्षी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ए किसने फेंका ये? सामने आ। बेटा मम्मी को बोलो गाड़ी रोके। जिद्दी कौन है, मैं या आप? इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी बहस किए जा रहे हैं। मीनू ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, समझती क्यों नहीं हो? मुझे कुछ भी नहीं समझना, आपकी नजर में सारी दुनिया गलत है। मैं ये रिश्ता और नहीं निभा सकती, मुझे अकेला छोड़िए। जरा रुकना भैया। भाई साहब एडवोकेट अकबर का घर कहाँ है? सीधा जाके लेफ्ट लेना। अच्छा वहाँ तक ले चलो। अकबर खान साहब का घर किधर है? सीधा जाके लेफ्ट लेना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे अकबर भाई का घर कहाँ है? ओ भाई साहब अकबर भाई का घर पूछ रहा हूँ। अरे सीधे जाओ फिर लेफ्ट हो जाओ। चल परा। मुल्क के अलग अलग कोनों से 300 से ज्यादा रिक्वेस्ट, 150 लेटर्स और उतने ही फोन कॉल्स आए हैं। केरला, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब, ये सब एक्ट ऑफ गॉड के विक्टिम्स हैं। ये सभी क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनी ने इसी क्लॉज के तहत रिजेक्ट कर दिए हैं, और ये सभी इसी उम्मीद से आए हैं कि तुम इनका केस लड़के इन्हें मुआवजा दिलाओगे। ये अनवर है। आदाब। आदाब। भूकंप में इसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना घर, बिजनेस और बहन की शादी के लिए इकट्ठा किया हुआ पैसा। तो तुम केस क्यों नहीं करते? क्या करूं, अपने मजहब के खिलाफ कैसे जाऊं? अनवर मेरी बात को समझो, तुम किसी भी मजहब की मुखालफत नहीं कर रहे हो। मजहब का मतलब समझाने वाले से, नमाज सिखाने वाले से ये सवाल कर रहे हो कि उस अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की। पर कौम के लोग क्या कहेंगे? कौम के लोग कुछ भी कहें अनवर भाई, तुम अपने बीवी बच्चों को सड़क पर सुलाओगे? मजहब इंसानों से बनता है, मजहब से इंसान नहीं बनता। नमस्ते, मेरा बेटा एक डॉक्टर था, मेरी बहू एक नर्स थी, ये मेरा पोता है। समुद्र किनारे एक बस्ती थी, वहां महामारी फैल गई, दोनों मेडिकल कैंप के लिए गए, वहां से कभी नहीं लौटे। वो एक सुनामी के शिकार हुए। एक ही दिन में एक बूढ़ी माँ और एक बच्चा दोनों ही एक साथ अनाथ हो गए। अंकल मैं स्कूल जा सकूं इसलिए दादी दिन रात काम करती है, मुझे किसी चाय की दुकान में काम दिला देंगे? मेरी दादी की सेहत ठीक नहीं रहती है। इन सारे केसेस को फाइल करने में कितना वक्त लगेगा अकबर भाई? जितना टाइप करने में लगेगा। रिलैक्स शंकर नारायण, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक्ट ऑफ गॉड को चैलेंज करने के लिए गोपाल राव के नक्शे कदम पर चलते हुए और 700 लोग सामने आए हैं। सभी धर्म गुरुओं को नोटिस मिल चुके हैं। डिफेंडिंग लॉयर शंकर नारायण इंश्योरेंस कंपनीज और धर्म गुरुओं की तरफ से पैरवी करेंगे। पहले 1 करोड़ ही था, अब 500 करोड़ के क्लेम्स। तेरा बाप भरेगा? भगवान से कहो कि वो खुद ही पे करे। प्रूव करो कि भगवान होता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, कहीं भी जाओ। अरे हो गोपाल राव, दुनिया में होने वाली अनहोनियों के लिए तुम खुदा के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? मौलवी साहब, भूकंप और सुनामी आने के पीछे भगवान का ही तो हाथ होता है। अब ये कौन से भगवान का हाथ है ये आप बेहतर जानते होंगे। जज साहब, ये धार्मिक गुरु 2400 घंटे भगवान के टच में रहते हैं,
आप इनसे पूछिए कि भूकंप कौन पैदा करता है। भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसे अनर्थ क्यों करने लगा? जीसस अपने सब बच्चों से प्यार करते हैं। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी भी इस तरह से तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। क्या हमारा भगवान ऐसा करता है? तेरे भगवान की बातें मेरे को क्या मालूम। जीसस कभी इनजस्टिस नहीं करेंगे। हमारा अल्लाह बंदों से प्यार करता है। मतलब जीसस कम करते हैं? मैंने ये थोड़ी कहा। मेरे भगवान पर उंगली मत उठाना। जो मैंने कहा है। साइलेंस। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जज साहब मैं कह रहा हूँ जरूर इन दोनों के भगवानों की मिली भगत होगी। आप इन लोगों की बातों में मत आइए। फरिश्ते भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। आपका मतलब मेरे भगवान ने तोड़ा? अगर शक किया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। उस पत्थर से मैं तेरे दांत तोड़ और मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर। अगर ऐसे केस लेने लगेंगे तो कल लाखों लोग ऐसे स्टूपिड केसेस के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आई सीरियसली ऑब्जेक्ट टू दिस। दिस केस शुड बी डिसमिस और ऐसे सारे केसेस को खारिज कर देना चाहिए इमीडिएटली। 1 करोड़ का केस तो कोर्ट डिसमिस कर भी दे, लेकिन 500 करोड़ के स्कैम का क्या करोगे? कौन से कॉलेज से लॉ पढ़ा है आपने? मुझे तो शक है आपने लॉ किया भी है या नहीं। जज साहब आप प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए। वादी और प्रतिवादी की दलीलें सुनकर कोर्ट इन सभी 700 केसेस को इस केस के साथ जोड़ने का हुक्म देती है। केस से संबंधित सभी विटनेसेस को सभी आरोपियों को केस खत्म न होने तक शहर न छोड़ने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न। ये एक सरकारी परिसर है, यहाँ तुम सुरक्षित हो, पर बाहर ये सब वही लोग हैं जो मंदिर मस्जिद और चर्च में बड़ी उम्मीद से जाते हैं। जब ये सवाल पूछेंगे तो क्या उत्तर दोगे? हे भगवान सुनो, भगवान है ये बात प्रूव करनी होगी। प्रूव क्यों करना है? भगवान है ना, हम सब मंदिर तो जाते ही हैं। करेक्ट। जो भी भगवान में यकीन रखता है अपने हाथ खड़े करो। तुम्हें यकीन नहीं है? सर बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, भगवान के होने पर टेक्निकल डाउट्स है मुझे। अकॉर्डिंग टू साइंस भगवान की थ्योरी। सुन, भगवान पर डाउट है? मुझे तो तुझ पर डाउट होता है। एक सेकंड में डाउट क्लियर करता हूँ, तुझे नौकरी से निकाल देता हूँ। तू चिल्लाएगा हे भगवान है ना। तुझे पता है ये 500 करोड़ का केस है जिसमें से 400 करोड़ अकेले हमारी कंपनी को ही पे करना है। तेरा साइंस पे करेगा? बोलना, तेरा साइंस पे करेगा क्या? शांत हो जाओ, कूल डाउन। यहाँ आग लगी पड़ी है और आप कूल डाउन कहते हैं? उसके साथ और कौन रहता है? सब उसे छोड़ के चले गए, अकेला रहता है, उसका घर भी गिरवी है। मतलब उसके लिए अब रोने वाला कोई नहीं है। अगर वो मर गया तो कोई केस नहीं करेगा। हेलो, कौन छे? अपुन मामू। इस पृथ्वी पर पूछे गए हर सवाल का जवाब अपुन देगा। अल्लाह के बारे में पूछ अपुन बताएगा, जीसस के बारे में भी पूछ ले। अगर कृष्ण के बारे में पूछेगा तो आई नो एवरीथिंग। ओ तुम हो, उस दिन मुझे गुंडों से बचाया, आज मैं अकेला हूं तो मुझे कंपनी देने आ गए। तुम्हारा सेंस ऑफ टाइमिंग भी कमाल है। मैं समय पर नहीं आता, समय मेरे हिसाब से चलता है, भगवान हूं मैं। सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। तुझे कुछ आइडिया है भगवान कैसा दिखता होगा? वो देख, भगवान शर्ट नहीं पहनते, शरीर पर जेवर, हाथ में चक्र, सर पर बहुत बड़ा मुकुट और बहुत सारी एक्सेसरीज होती हैं, तब जाके भगवान बनते हैं। कायपन फेंके छे। गोपाल, ये फोटो तुम्हारी है? हाँ मेरी है। अपन नहीं मानता। क्यों? उस फोटो में माला है, सर पर तिलक है, होठों पर स्माइल है,
अब साबित करो कि वो फोटो तुम्हारी है। अरे वो मेरी शादी की फोटो है। ओ शादी की फोटो, उस टाइम का तुम्हारा गेटअप अलग था, तब वो ट्रेंड था, आज अलग ट्रेंड है। अब उनकी लेटेस्ट फोटोज किसी ने व्हाट्सएप या फेसबुक पे अपडेट नहीं की है, मेरी पुरानी फोटो से ही काम चला रहे हैं। चेंज करना होगा, आप उनको अपना डीपी चेंज करना होगा। सुना मोटा भाई, भगवान और मुझ में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। अब तुम हर दो मिनट पे अपने आप को भगवान भगवान कहोगे ना, तो गाने बाजे के साथ तुम्हारा विसर्जन कर दूंगा। अच्छा तो अपन को अपन के ही घर से निकालेगा? तुम्हारा घर? ये बगाड़, घर के पेपर्स राम जी के पास तुमने गिरवी रखा था, मैंने खरीद लिया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तो उसे पैसे देने ही वाला था। हाँ पर उसने घर मुझे बेच दिया। लेकिन तय तारीख से पहले वो कैसे बेच सकता है? उसे मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। चिल मामू चिल, ठंडा ले। गोपाल केस जीतने के बाद तेरे को पैसा मिलेगा, तो आप उनको दे देना, अपन घर लौटा देगा। लौटाना था तो खरीदा क्यों? देख मोटे, मेरी एक कंसल्टेंसी फर्म है जहां मैं जरूरतमंदों को सलाह देता हूं। यानी एडवाइस? जैसे जिसके प्रॉब्लम्स वैसे मैं सॉल्यूशंस देता हूं। सर्विस ओपन टू ऑल। प्रॉब्लम सॉल्व होते ही मैं लोकेशन शिफ्ट कर लेता हूं। आने में भले ही थोड़ा लेट हो जाए पर आने की गारंटी पक्की। जैसे इस बार आया ना अपन इसकी हेल्प करने, तो मेरी हेल्प करने आयो? कोर्ट केस, दुकान का गिरना और फिर पत्नी और बच्चे भी छोड़ के गए। गोपाल तुम भी यहां रुक सकते हो, लेकिन देखो भाई आपने यहां टीवी फ्रिज यूज करेगा, आप उनको कुछ बोलने का नहीं, बाद में पंगा नहीं। ठीक है भाई, पर बिना बताए किसी को घर बेच मत देना। केस जीतते ही मैं ये घर वापस खरीद लूंगा। तथास्तु। बोले तो खुश रहे। थैंक्स दोस्त, अपने घर में मुझे रहने देने के लिए। क्या? मतलब तुम्हारे घर में मुझे रहने देने के लिए। गुरुजी खाना लगा दिया है। भूख नहीं मने, इन्हें खिला दे। सभी इनको अकेला छोड़ के चले गए, इनकी पत्नी भी। सच्चाई के रास्ते पर कोई साथ नहीं देता, अकेले ही चलना पड़ता है। देखते हैं कितनी दूर तक चल पाता है। ला थाली दे अपन को। मोटू घर में मक्खन है? क्या कहा? बटर, बटर पूरी के साथ। मजा आता है, जा लेके आ। लाता हूं।